पंजाब नेशनल बैंक धोखाधड़ी मामले में मुख्य आरोपी मेहुल चौकसी के कांग्रेस से करीबी रिश्तों की खबर आ रही है। एंटीगुआ में मेहुल चौकसी के वकील डॉक्टर डेविड डोरसेट का दावा है कि भगौड़े भारतीय कारोबारी का कांग्रेस पार्टी से नजदीकी रिश्ता है। एंटीगुआ में ABS टेलीविजन को इंटरव्यू में डॉक्टर डोरसेट ने चौकसी का पक्ष रखते हुए कहा कि कांग्रेस के साथ नजदीकी रिश्ता होने की वजह से उनके मुवक्किल के लिए कठिनाई आई है, लिहाजा ये न्यायालय की जांच का विषय है। कहीं ये मामला राजनीति से प्रेरित तो नहीं? मेहुल चौकसी के वकील के दावे के बाद केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि ये बात मायने रखती है कि चौकसी के विदेशी अटॉर्नी सार्वजनिक रूप से एक टीवी इंटरव्यू में इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि चौकसी का कांग्रेस के साथ किसी तरह का लेना देना था। कांग्रेस को इस बात का जवाब देना चाहिए। एक टेलीविजन चैनल ने मेहुल चौकसी के वकील, जो एक विदेशी हैं, उनकी टिप्पणियों को सामने रखा है, जिससे कांग्रेस पार्टी के मेहुल चौकसी के संबंध सामने आए हैं। और मैं उनका स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं जो टीवी पर चल रहा है। डेविड डोरसेट, मेहुल चौकसी अटॉर्नी, क्या कहते हैं वो? ही वॉज ए बिजनेस मैन, ही वॉज एन ऑर्डनरी बिजनेस मैन, ऑर्डनरी बिजनेस मैन एंड ही डिड हैव सम लूज अलायंस विद वॉट इज नाउ द अपोजिशन पार्टी इन इंडिया, द कांग्रेस पार्टी। तो मेहुल चौकसी के जो विदेशी वकील हैं, जो उनके तरफ से पेश हो रहे हैं, उन्होंने आज एक टेलीविजन चैनल को एक कंफर्म किया है कि मेहुल चौकसी का एक लूज अलायंस था कांग्रेस पार्टी के साथ। मोदी सरकार का, जिनको प्रधानमंत्री जी हमारे मेहुल भाई कहकर पुकारते हैं, भगोड़ा प्रेम और मोदी सरकार की गड़बड़ झाले में संलिप्तता अब जग जाहिर हो गई है। एंटीगुआ की सरकार के इन्वेस्टमेंट सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट यूनिट ने साफ तौर से तीन बातें कही। पहली, मई 2017 में भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने लिखकर एंटीगुआ की सरकार को कहा कि मेहुल चौकसी के खिलाफ कोई मुकदमा, आपराधिक या दूसरी कार्रवाई नहीं चल रही। जबकि 7 मई 2015 को सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, CBI, ED, गुजरात और महाराष्ट्र सरकार और प्रधानमंत्री कार्यालय को शिकायत दे दी गई थी 2 साल पहले। 26 जुलाई 2016 को, यानी 1 साल पहले, फिर प्रधानमंत्री कार्यालय को लिखकर सारे तथ्यों की शिकायत दी गई। उसके बावजूद भी मई 2017 में मोदी सरकार का विदेश मंत्रालय क्लीन चिट क्यों दे रहा था? दूसरा, एंटीगुआ की सरकार ने यह भी बताया कि सेबी ने क्लीन चिट दी। आपको बता दें कि एंटीगुआ सरकार ने पहली बार आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि की है कि मेहुल चौकसी एंटीगुआ में रह रहा है। एंटीगुआ सरकार ने ये जानकारी इंटरपोल को दी, जिसके बाद इंटरपोल ने ये जानकारी भारत को दी। एंटीगुआ प्रशासन ने इंटरपोल के जरिए भारत को बताया कि मेहुल चौकसी उसके देश में ही है और अब नागरिक भी बन चुका है। एंटीगुआ सरकार ने कुछ दिन पहले ही संकेत दिया था कि वो भगौड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी और मेहुल चौकसी को भारत वापस भेजने के वैध अनुरोध को विचार करने को तैयार है। भारत में ईडी की अर्जी पर CBI ने नीरव मोदी और मेहुल चौकसी को भगौड़ा आर्थिक व अपराधी कानून के तहत समन देकर 25 सितंबर और 26 सितंब्बर को पेश होने को कहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो सब्सक्राइब करिए भारत तक, और दाहिने कोने में जो बेल आइकन आपको दिख रहा है उसको जरूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें।